हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो के अंदर हम समझने वाले हैं इस इमेज के रिगार्डिंग किस तरीके से आप किसी भी ब्लैक एंड व्हाइट इमेज को, भले ही वो आपकी यहाँ पर ओल्ड कोई फोटो हो सकती है या फिर कोई नई आपने यहाँ पे फिल्टर के साथ क्लिक की होगी, उसको कन्वर्ट कर सकते हो इस तरीके से एक कलर्ड इमेज के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे ये एडिटिंग हम परफॉर्म करने वाले हैं पिक्सआर्ट के अंदर, और यहाँ पे मैं बहुत ही इजी स्टेप्स आपको बताने वाला हूँ, उसको समझ के आप यहाँ पे बहुत ही इजीली कलर्ड कर सकते हो। तो पिक्सआर्ट के अंदर आ जाते हैं, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे हम जाएंगे ड्रॉ सेक्शन में। ड्रॉ सेक्शन के अंदर आपको यहाँ पे सबसे पहले पता होना चाहिए लेयर्स के बारे में। यहाँ पे आपकी लेयर एक आपको एडिशनल मिलती है खाली, इस तरीके से आप एक लेयर को ऐड ऑन कर सकते हो, और यहाँ पे सिलेक्ट करके अगर डिलीट करना चाहते हो डिलीट कर सकते हो। अब करना क्या है, सिंपल, मैं इसको हाइड कर देता हूँ अभी के लिए, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक एक्स्ट्रा लेयर ऑलरेडी हमें मिलती है, मैं उसको पे पेंट करने वाला हूँ। यहाँ पे स्किन कलर मैं चूज़ कर लेता हूँ, और यहाँ पर सिंपल मैं क्या करने वाला हूँ, सिंपल इस तरीके से मैं स्किन कलर ले लेता हूँ। आप भी अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो, अपने स्किन के अकॉर्डिंग कलर कोई भी। देन यहाँ पे मैं पेंट करने वाला हूँ। अभी पेंट कैसे करना है, सिंपल मैं आपको प्रेफर करूँ कि आप एक हार्ड ब्रश का यूज़ करो, आप साइज जो मर्जी रख सकते हो, एकदम एक्यूरेसी यहाँ पर इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं बताता हूँ कैसे, देखो मैं इस तरीके से पेंट कर रहा हूँ जहाँ जहाँ स्किन है, इसके अंदर एकदम एक्यूरेट होने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको बाद में फिक्स कर सकते हो, क्योंकि हम इसको एक अलग लेयर के ऊपर काम कर रहे हैं, एक अलग लेयर के ऊपर यहाँ पे हम अप्लाई कर रहे हैं, तो हम इसको इंडिविजुअली इरेज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं सिंपल अप्लाई कर देता हूँ ये स्किन कलर जहाँ जहाँ स्किन मेरे को दिख रही है। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, इसका ब्लेंडिंग, इन दोनों इमेज लेयर्स को ब्लेंड करेंगे। आपको सिंपल यहाँ पे सिलेक्ट करना है ओवरले, और दैट्स इट, आपका काम हो गया। लेकिन यहाँ पे जो आईज है वो ऑरेंजेस हो रही है, और आपके लिप्स है वो जो फेक था दिख रहा है थोड़ा लुक, तो उसको भी हम फिक्स कर लेते हैं। सिंपल मैं इसका यहाँ पे ऑपेसिटी कम कर दे रहा हूँ, ठीक है, ताकि ये ज़्यादा ऑरेंजिश ना हो, इतना काफ़ी है। हम यहाँ पे अब चूज़ करेंगे इरेजर, देन उसके बाद यहाँ पे मैं जूम करके यहाँ पर इस पर्टिकुलर आई में इरेज कर दूंगा। अब ध्यान रखना कि यहाँ पे आप ज़्यादा इरेज ना कर देना, अदरवाइज आपकी जो पिक्चर है वो थोड़ा सा फेक लुक देगी, जिसके यहाँ पे आई के नीचे वाला पार्ट मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा इरेज कर दिया। तो यहाँ पे मैं सिंपल इसको फिक्स कर लेता हूँ दोबारा पेंट करके, ठीक है। तो फिलहाल ये आई वाला काम हो गया, सिंपल मैं इस तरीके से इसको फिक्स कर लेता हूँ। आप ब्रश का साइज इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हो उसी के ऊपर क्लिक करके, या फिर इरेजर का साइज इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हो उसी के ऊपर क्लिक करके। तो फिलहाल मैंने यहाँ पे इस तरीके से आई को फिक्स कर लिया है। अब बारी आती है लिप्स की, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली यहाँ पर कुछ तीन मेन चीजें हैं, जैसे कि लिप्स, आई और यहाँ पे जो क्लोथ्स हैं, ठीक है, उसको इरेज करना पड़ेगा प्रॉपरली, बस स्किन के ऊपर ही कलर होना चाहिए। तो हर एक कलर को मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप अलग अलग लेयर के ऊपर बनाएंगे, जैसे कि मैं आपको वीडियो के अंदर दिखाने वाला हूं। सिंपल इस तरीके से मैंने इरेज कर दिया लिप्स को भी, और उसके बाद थोड़ा सा अभी फिलहाल यहां पे मेरे को ठीक लग रहा है। और जो यहां पे ये जो क्लोथ्स हैं इसके ऊपर मैं यहां पे इरेजर यूज़ कर लेता हूं, सिंपल इस तरीके से, ठीक है। और सिंपल अभी मैंने सॉफ्ट इरेजर लिया हुआ है, तो यहां पर सिंपल इजीली काम मेरा हो गया। देन उसके बाद क्या है, सिंपल अब बात यहां पे थोड़ा सा रह गया, इसको भी मैं फिक्स कर लेता हूं पहले, ठीक है, इतना ओके, तो इतना मेरे ख्याल से काफ़ी है, ओके। देन उसके बाद क्या है, अब हम लेते हैं एक और न्यू लेयर आईज के लिए, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आईज को यहाँ पे कलर देने वाला हूँ, तो यहाँ पे मैं लेता हूँ एक और एमपीटी लेयर। देन उसके बाद यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सिंपल जूम करूँगा, आप कोई भी कलर ले सकते हो। फिलहाल मैं यहाँ पे कलर का इतना ध्यान नहीं दे रहा हूँ, तो आप यहाँ पे एकदम एक्यूरेट कलर लोगे तो आपको यहाँ पे ज़्यादा अच्छे रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। अभी मैं जल्दी से ब्लू कलर ले लेता हूँ आपको समझाने के लिए, थोड़ा सा साइज इसका बड़ा है, मैं इसको फिक्स कर लेता हूँ, सिंपल थोड़ा छोटा कर देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे इतना काफ़ी है, नहीं अभी भी बड़ा है। और सॉफ्ट ब्रश मैंने लिया है, इसको मैं जल्दी से दोबारा सेट कर लेता हूँ, जैसे कि हार्ड ब्रश मैं यहाँ पे चूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, मेरे ख्याल से ये सही रहेगा, ठीक है, इतना काफ़ी है। मैं यहाँ पे इस तरीके से पेंट कर देता हूँ, अगेन एक्यूरेसी की यहाँ पर आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना, बस आपको ये ध्यान देना है कि वो उसके बाहर ना जाए, जितना उसका एरिया है उससे बाहर ना जाए, ठीक है। तो यहाँ पे हाईलाइट को मैं पेंट नहीं कर रहा हूँ, हाईलाइट वैसे भी ये ओवरले क्या करता है, आपके ब्लैक एरिया और वाइट एरियाज पे काम नहीं करता है, तो अगर आप पेंट कर भी देंगे वाइट एरियाज पे तब भी ये आपको शो नहीं करेगा, ठीक है। तो सिंपल इस तरीके से मैंने यहाँ पे फिल कर दिया है, और उसके बाद यहाँ पे मैं ओवरले इसको भी कर देता हूँ, तो कुछ ऐसा रिजल्ट आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पे मैंने ज़्यादा ही ब्लू कलर चूज़ कर लिया है, लेकिन हम इसको फिक्स कर लेंगे अभी के लिए। मैं यहाँ पे सिंपल इसकी ओपेसिटी कम कर दे रहा हूँ, आप थोड़ा बेटर कलर चूज़ करना ताकि बेटर रिजल्ट आपको देखने को मिले। अभी के लिए मैंने यहाँ पर सिंपल इसकी ओपेसिटी सेट कर दिया, और इसको मैं ऐसे ही रहने देने वाला हूँ। अब हम बात करते हैं लिप्स की और स्वेटर की, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इस तरीके से स्वेटर को भी यहाँ पे मैं ब्लू ही कलर दे देता हूँ, ठीक है, ताकि एक कॉन्ट्रास्ट बने यहाँ पर सब्जेक्ट का और यहाँ पे आसपास के एनवायरमेंट का, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको भी ब्लू कलर ही फिल कर दे रहा हूँ।
देन उसके बाद बारी आती है लिप्स की, तो उस केस में हम क्या करेंगे, सिंपल लेंगे पहले तो एक और न्यू लेयर यहाँ पे एम्प्टी लेयर, ठीक है। तो लिप्स के लिए मैं यहाँ पे कुछ ऑरेंजिश कलर लेने वाला हूँ, ठीक है, ऑरेंज और रेड के बीच का, ठीक है। तो सिंपल मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ, वैसे तो पिंक कलर होता है मेरे ख्याल से, तो यहाँ पे देखते हैं, पहले मैं सेट कर लेता हूँ ठीक है ब्रश को, और यहाँ से मैं सेट कर लेता हूँ पिंक कलर, मेरे ख्याल से थोड़ा ऑड रहेगा, नहीं पिंक कलर अच्छा नहीं रखेगा रहेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ये वाला या फिर ठीक है, तो यहाँ पे मैं इस तरीके का कलर चूज करने वाला हूँ सिंपल, और टिक पे क्लिक किया, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे मैं इसको पेंट कर दूंगा, तो यहाँ पे मैं जल्दी से पेंट कर देता हूँ ताकि आपका टाइम भी वेस्ट ना हो, और यहाँ पे सिंपल मैं इसको फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ, ठीक है। देन उसके बाद क्या है, सिंपल इसको भी मैं ओवरले करता हूँ, लेकिन थोड़ा सा रह गया है जल्दी जल्दी में, मैं उसको भी थोड़ा फिक्स कर लेता हूँ फास्ट फॉरवर्ड करके। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पे मैंने ओपेसिटी थोड़ी कम कर दी है, और ये आपका फाइनल रिजल्ट है। डिस्कार्ड करते हैं, अभी यहाँ पे हम थोड़ा बहुत और क्लियर करेंगे अपनी इमेज को, जैसे कि यहाँ पर हो गया देखिए आपका बिफोर एंड आफ्टर, ठीक है। अभी हम थोड़ा और काम करेंगे जो स्किन का यहाँ पर जो टेक्सचर है उसको डिटेल उसकी उभारने के लिए, तो अब मैं कॉन्ट्रास्ट को थोड़ा सा इंक्रीज कर रहा हूँ, ठीक है, और ब्राइटनेस को थोड़ा सा डिक्रीज करूंगा। अभी आपको बताता हूँ कि ऐसा क्यों, हम अगर चाहते हैं अपने जो स्किन टोन है या फिर कोई भी अगर क्लोजअप की कोई फोटो है उसको थोड़ा पंची लुक देना, थोड़ा 3D लुक देना, तो उस केस में हम ये चीज़ करते हैं। मैं इन्वर्ट करता हूँ यहाँ पे सिंपल, और जहाँ जहाँ मेरे को डार्कर एरिया चाहिए मैं वहाँ वहाँ इसको फिल करूँगा। बेसिकली यहाँ पर मैंने उसका डार्कर पार्ट को मैं थोड़ा और डार्क कर रहा हूँ ताकि थोड़ा यहाँ पर 3D लुक आए। ओके, तो आपको मैं बिफोर एंड आफ्टर अभी इसके बाद दिखाऊंगा, जैसे कि यहाँ मैंने फिल कर दिया इस तरीके से, ठीक है, एंड इतना मेरे ख्याल से काफी है। और यहाँ पे मैं सिंपल टिक पे क्लिक करता हूँ, और ये है आपका बिफोर एंड ये है आपका आफ्टर, ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बल्कि यहाँ पर सिंपल बस इतना ही है कि आपका यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल आपका आर्टवर्क रहता है, ठीक है। देन उसके बाद क्या है, यहाँ पे मैं एक और चीज परफॉर्म करता हूँ हमेशा लास्ट में, जो कि है शार्पन, ठीक है। तो यहाँ पे हम पहले जाएंगे FX में, और यहाँ पे हम जाते हैं शार्पन में, आपको लास्ट में मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे है ये शार्पन, शार्पन बहुत ज़्यादा भी आप अप्लाई ना करना, ठीक है, सिर्फ सिर्फ लिमिट के अंदर होना चाहिए ये चीज़। तो आपको मैं समझाता हूँ कैसे यूज़ करना होता है शार्पन, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, उससे पहले यहाँ पे मैं इस इमेज को थोड़ा जूम कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं करता हूँ सिंपल आपको डिटेल दिखाने के लिए, आपको सिर्फ इतना रखना है कि आपका यहाँ पे जो इमेज है उसका क्लियरिटी थोड़ी सी इंक्रीज हो जाए, बाकी डिटेल्स खराब ना हो, ठीक है। तो इतना काफी है मेरे ख्याल से, मैं टिक पे क्लिक कर देता हूँ। फिलहाल इस वीडियो के अंदर इतना ही था, ये था आपकी ओरिजिनल इमेज, और इसको हमने कन्वर्ट कर दिया कुछ इस तरीके की इमेज में। होप सो आपको पसंद आया होगा कि ये कॉन्सेप्ट, और यहाँ पे पसंद आएगी ये वीडियो। अगर आपको पसंद आई है तो आप यहाँ पे लाइक कर सकते हैं मेरी वीडियो को और सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे चैनल को। अभी के लिए इतना ही,